नोटी बॉय अब कहाँ पे चले हुए हैं? व्हाट आर यू डूइंग हियर आदि? आदि लुक एट मी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मुझे भी दे दो। ओह माय गॉड। अच्छा जी, तो क्या हाल चाल है आपके, और कैसी महसूस जा रही है, कैसी रूटीन जा रही है आपकी, कैसे आपकी चल रही है लाइफ, और क्या चल रही है आपकी एक्टिविटीज़? आई होप आप सब ने भी जो है ना रमज़ान की तैयारी शुरू कर दी होगी। रमज़ान आ गया है, रमज़ान की आमद आमद है, और हमने कमर कस लिया है फुल जो है प्रेपरेशन करने में, ताकि हम सुकून से जो है ना अफ्तारी में शॉर्ट टाइम लगाएं और सुकून से अपनी इबादत करें। सो आपने मेरे साथ प्रेपरेशन करनी है, आज की वीडियो बहुत अहम है, और आपने जल्दी से मेरे सारे रूल्स को फॉलो करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगे। सो मैंने जो है ना आज थोड़ी सी लेट होगी वीडियो, लेकिन मैंने सोचा कि प्रेपरेशन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर तो की नहीं, मैंने जो काफ़ी चीज़ें अभी मेरी पेंडिंग है। सो लेकिन जितनी अभी मेरी तैयारी हुई है ना, मैंने सोचा कि ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस वीडियो में रमज़ान प्रेप की मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ ना जो कि आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। सो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, और मुझे आप ज़रूर ज्वाइन देंगे। सो चलते ना फ्रिज क्लीन कर लेना है, और वो मैंने आपके साथ अब क्लिप शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत हो गया, मैं लास्ट ईयर भी आपके साथ किया था, और पता ही है जी फ्रिज क्लीन करना आई होप सबको आता ही होगा। और फ्रिज क्लीन करने के बाद, फ्रिज क्लीन करने से जो ये फिर हम जब ग्रोसरी करेंगे और पहले से ऑलरेडी जो चीज़ें हमें कट करके और फ्रीज़ करनी है ना, उसके लिए हमें स्पेस बनानी है, ठीक है, और ताकि हम इजीली जो चीज़ें एडजस्ट कर सकें, और सुकून से हम ना हसल बसल के बगैर, पैनिक क्रिएट किए बगैर अपनी अफ्तार जो है ना रोज़ाना प्रेप करें। नंबर वन पे आपने कर लेनी है ग्रोसरी, ठीक है, और नंबर टू पे आपने कर लेनी है अपनी फ्रिज क्लीन, और नंबर थ्री पे आपने कर लेनी है काफ़ी सारी वेजेस आप सेव, और कौन कौन सी वेजेस वो हो सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके बाद आपने मेक एंड फ्रीज रेसिपीज बना लेनी है जो एक दिन में बनाएंगे और काफ़ी दिन आपके चल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने करना ऐसा है कि वेजेस हमने लेके ना कट करके फ्रीज कर देनी है। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, कुकिंग करने में बहुत आसानी होगी, हमने जस्ट फ्रीज़र में से जो है ना वो वेजिटेबल निकालनी और अपनी चीज़ जो है प्रिपेयर कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बंद गोभी, मैंने इस तरह से इसको कट करके ना बारीक बारीक, और इसको फ्रीज़ कर लेना है। आप चाहे कोई प्लास्टिक बैग ले लें, जिप लॉक बैग मैंने ले लिए थे, और उसमें मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी, और ये आपके स्प्रिंग रोल्स हो सकते हैं, और चाइनीज़ चावल हो सकते हैं, और इसके अलावा पास्ता वगैरह में किसी भी चीज़ में ये जो है ना ईज़िली यूज़ हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपने पैकेट बना के रख लेने, और आप अगर इस पर मैंशन कर देंगे ना ये पैकेट्स जो हैं कि इसके ऊपर उनके नाम वगैरह, आपके लिए आसानी है। तो नेक्स्ट वेजिटेबल जो आ गई है ना, ये है मिंट पुदीना, और क्या इसकी खुशबू लग रही थी, मैं इसको ना सूंघ सूंघ के जो है ना वो मज़े ले रही थी। अच्छा ये जो है ना, ये वेजिटेबल आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी ने बताया होगा कि इसको फ्रीज़ करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अगर आप इसको इस तरह से डंडी अलग करके ना जैसे इसके पत्ते लेने, और आपने इसको फ्रीज़ कर देना है वॉश करके, और जब आपने को चाहिए होगा तो आप इसको इजीली इससे चटनी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप दही भल्लों में या इस तरह से आलू चनों में इजीली इसको वैसे भी निकाल के ना और कट करके यूज़ कर सकते। और अब आगे बारी हरा धनिया की। जी बिल्कुल, आप हरा धनिया भी फ्रीज कर सकते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जी हमारे पास घर पे अवेलेबल नहीं होता, या कोई बंदा लाने वाला नहीं होता, तो आप हरा धनिया जो है फ्रीज़ करें, और इसको किसी भी हांडी वगैरह में, चटनी में और आलू चनों में ईजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा पालक कभी मैंने थोड़ी सी थी, मेरे पास थी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए जो है ना वो यूज़ कर लिया। पालक भी आपने कट करके इसी तरह से वॉश करके रख देनी, और पकौड़ों में आप आराम से बनाएंगे या सालन में भी। और अगर आपने ये वाला जो काम कर लिया ना, तो आपकी कुकिंग इतनी ज़्यादा ईजी हो जाती है ना, चाहे आप हांडी बना रहे हैं या कोई भी चीज़। अदरक लहसुन पेस्ट, ये आपने अदरक लहसुन पेस्ट ज़रूर बना के रख लेना है, और उसके जो कलर ना चेंज हो और उसका टेस्ट नहीं चेंज हो। इसके लिए टिप ये है कि आपने पेस्ट बनाते वक्त ना, ग्राइंड करते वक्त
दो टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देना है, ठीक है। इसको हमने जार में डाल के रख देना है, इसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ गई हमारी वेजिटेबल टोमेटोज। आपने टमाटरों को ग्राइंड करके रख लेना है थोड़ा सा पानी ऐड करके, और इसको हमने फ्रीज़ कर देना है। जब भी आपने कोई सालन बनाना है तो इसको आपने निकालना है थोड़ा सा पेस्ट, और क्यूब्स की शक्ल में रखेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप 2 से 4 क्यूब्स डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अब आगे बारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी की, और मैं बनाने जा रही हूँ मीठे ठंडे दही बड़े। और इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप बेसन और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और इस तरह का हमने एक बैटर तैयार कर लेना है। गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमने छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बीट करने के बाद। और अब हमने ले लिया है कढ़ाई में ऑयल, और ऑयल को गर्म करना है अच्छे से। फिर हमने फ्लेम हल्का कर देना है, और 1 चम्मच की मदद से हमने छोटे छोटे साइज़ के इस तरह से भले डालने हैं। और पहले एक जो है ना आप अच्छे से फ्राई करके देख लेंगे, देखें जब ऑयल गर्म है ना अच्छे से, टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है, जो भला जैसे ही डाला ना हमने तो ये इसके ऊपर तैरने लग जाएगा। ये देखिए मैंने जैसे ही डाला है वो अंदर डूबेगा नहीं और पेंदे में चिपकेगा नहीं, और ये इसके ऊपर तैर रहा है। और इसको आपने पलट लेना है, और ये देखें साथ ही फूलना शुरू हो गया। आपने ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, इसका साइज़ नॉर्मल आपने रखना है, अदरवाइज अंदर से कच्चा भी रह सकता है और ऊपर से एकदम से पक जाएगा, ठीक है। और ये इसकी टिप हो गई, अच्छा परफेक्ट एक साइज़ से देखें आपको नज़र आ रहा है। और मैंने इस तरह से जितना अपने बर्तन का साइज़ देख लें उसके हिसाब से इसमें आप क्वांटिटी रख सकते हैं एक बैच में, ठीक है। और इनको हमने गोल्डन कलर होने तक जो है ना कुक होने देना है, और डार्क नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है हमने इनको, जस्ट गोल्डन करना है। और अगर आपने बड़े साइज़ के बल्ले बनाना चाहते हैं ना तो इसको हमने फोक ले लेना है, थोड़ा थोड़ा सा इसको हम होल्स कर देंगे, प्रेस कर देंगे ना तो ये अंदर तक पक जाएगा, अदरवाइज़ जो है ना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए परफेक्ट साइज़ है और ये कलर होना चाहिए। दही भल्ले जो है ना वो रमज़ान में बनते हैं डेली ही, आप एक चेंज चेंज करके बनाएंगे ना तो सभी शौक से खाएंगे। और ये वाले जो है अगर आप बनाएंगे तो इजी भी बहुत है, बिगनर्स के लिए जो बहुत इजी है वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। दाल के जो है ना काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, आपको ओवरनाइट भिगोना पड़ता है और उसको ग्राइंड करना पड़ता है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। इसमें जस्ट बेकिंग पाउडर, नमक और काले मिर्च है, और ये देखिए कितने मज़े के आप जब बनाएंगे ना तो आप बार बार बनाएंगे कि इतने ईजी और टेस्टी हैं। और अच्छा हमने फ्राई कर लिया है, अब इनको हमने नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद हमने इसको हाथ में हथेली में रख के और प्रेस करके एक्स्ट्रा पानी निकालते जाना है, और पानी में से आपने इसको निकाल के रख देना है। फिर हमने ले लेना है जो आधा किलो दही ले लिया है, और इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, और थोड़ी से मतलब 2 टेबल स्पून आप चीनी डालें, और इसको बीट कर लिया है दही को, और हमने इसको भल्लों के ऊपर पोर कर देना है। अगर आप दही को थोड़ा सा थिन करना चाहते हैं ना तो थोड़ा सा आपने दूध ऐड कर देना, ये ऑप्शनल है। और लास्ट में आपने ऊपर स्प्रिंकल कर देना है चाट मसाला और इमली की चटनी, और मेरे पास रेडीमेड चटनी थी और इससे हमने कर दी है गार्निश। और ये रेडी करके आपने फ्रिज में रख देने आधे घंटे के लिए। मज़े के ठंडे और मीठे दही भले रेडी हैं, और इतने ईजी भी हैं, और आप आसानी के साथ जो है ना मज़े के दही भले इंजॉय कर सकते हैं। रोज़ों में आपने ज़रूर ज़रूर ये रेसिपी बनानी है, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियोस में रमज़ान स्पेशल रेसिपीज जो है ना आप इंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। जी कुछ वेजेस तो मैंने आपको ना कट करके और फ्रीज़ करके बता दिए, लेकिन सब्ज़ियाँ तो आई थिंक सबको कट करनी आती होंगी और फ्रीज़ करनी भी आती होंगी। और कुछ अभी वेजेस है ना मैं अभी लेने जा रही थी, शॉपिंग वॉपिंग रहती है कुछ, और ग्रोसरी भी रहती है, वो मैं आपके साथ अगर शेयर ना भी कर सकती तो मैंने सोचा कि ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी।
एक तो आपने मटर और कैप्सिकम और पालक और कैरेट, ये अभी चीज़ें मैंने लेनी है, वो आपके साथ अगर हो सके तो क्यों शेयर।